साल 1991 दिन था 6 जुलाई का। देश की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई एयरपोर्ट पर एक चार्टर प्लेन खड़ा था। एयरपोर्ट पर किसी भी प्लेन का खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन खास बात ये थी कि भाई इसके आसपास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कई वैनें खड़ी थी, तो वहीं वहां कई लाल बत्ती वाली पुलिस की गाड़ियां भी मौजूद थी। और इन सभी वैन्स और प्लेन के आगे पीछे सैकड़ों आर्म्ड सिक्योरिटी वाले अपने मॉडर्न वेपन्स के साथ इसकी सिक्योरिटी में तैनात थे। दरअसल इन वैन में कई टन गोल्ड रखा हुआ था, जिसे चार्टर प्लेन से फॉरेन ले जाया जा रहा था गिरवी रखने के लिए। और इस काम को बड़े ही सीक्रेट मेथड से रात के अंधेरे में किया जा रहा था। सीक्रेट मेथड इसलिए क्योंकि भारत सरकार देश की जनता को इसकी भनक नहीं लगने देना चाहती थी। इस समय देश के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। लेकिन इस खबर की भनक एक पत्रकार को मिल गई और अगले ही दिन यह खबर न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर थी, जिसकी हेडलाइन ने देश की धड़कने बढ़ा दी। अब सवाल ये है कि यह पत्रकार था कौन जो इतनी सुरक्षा के बाद भी वहां तक पहुंच गया। साथ ही इससे भी बड़ा सवाल ये है कि सरकार जनता से छुपाकर गोल्ड क्यों गिरवी रख रही थी, इसके पीछे क्या कारण थे, तो जानेंगे इन सभी बातों को इस वीडियो में। बने रही हमारे साथ वीडियो के अंत तक। देखिए, आज दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में भारत 3.469 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ विश्व में 5वें स्थान पर है। देश का कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 606.86 अरब डॉलर है और इस मामले में भारत का 5वां स्थान है। वहीं आरबीआई के अनुसार भारत सरकार के पास मौजूद कुल गोल्ड रिजर्व्स के मामले में भारत का विश्व में 9वां स्थान है और इसका मूल्य 47.577 अरब डॉलर है। ये देश की इकोनॉमी की स्ट्रॉन्ग सिचुएशन को दर्शाता है। लेकिन आज से 33 साल पहले साल 1991 में भारत की इकोनॉमी सिचुएशन इसके ठीक बिल्कुल विपरीत थी। यानी देश का खर्च चलाने के लिए यहाँ का रिजर्व गोल्ड विदेश में गिरवी रखना पड़ा था। इस समय देश के पास केवल 20 दिनों के इंपोर्ट बिल का पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी बची हुई थी। भारत की यह स्थिति एक दिन में नहीं हुई थी, बल्कि ये पहले से चली आ रही थी। जी हाँ, इस पर किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब सवाल ये है कि भाई फॉरेन करेंसी स्टोर क्या है? तो फॉरेन करेंसी स्टोर किसी भी कंट्री के पास जमा वो मनी है जिसका उपयोग वो फॉरेन में अपनी परचेज के पेमेंट के लिए करता है। कहीं तो किसी भी कंट्री में मौजूद उसका फॉरेन करेंसी स्टोर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को शो करता है। इसमें कमी आने से फॉरेन के लिए किए जाने वाले पेमेंट में दिक्कत आती है, जिससे इकोनॉमी खराब होती है। इसका ताजा उदाहरण है पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत। साल 1991 में भारत के साथ भी ऐसी स्थिति बनी थी जब देश का गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था। 6 मार्च 1991 को प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर सिंह ने अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया, लेकिन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में बने रहे। पहले से चली आ रही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की प्रॉब्लम अब ज्यादा बड़ी हो गई थी। संकट की इस घड़ी में देश के पास रखा हुआ सोना एक बार फिर से सोना साबित हुआ। साल 1991 में पहली बार 21 मई को सोना गिरवी रखा गया था। इस समय ऐसी स्थिति हो गई थी कि भाई भारत के इंटरनेशनल मार्केट में डिफॉल्टर होने का खतरा हो गया था। इस मुश्किल घड़ी में फाइनेंस मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी वाईवी रेड्डी ने एक एडवाइस दी कि स्मगलर से जब्त 20 टन यानी 20,000 किलो सोना गिरवी रख सकते हैं। गोल्ड गिरवी रखने का निर्णय प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर सिंह, उनके फाइनेंशियल एडवाइजर मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर एस वेंकटेर मनन के साथ मिलकर लिया गया था। सोना गिरवी रखने के डॉक्यूमेंट पर फाइनेंशियल मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने पटना में हस्ताक्षर किए थे। इस सोने को 21 मई से 31 मई 1991 के बीच स्विट्जरलैंड के UBS बैंक में गुप्त रूप से गिरवी रखा गया था। इस सोने से देश को 200 मिलियन डॉलर यानी 20 करोड़ डॉलर मिले थे। दरअसल ये गोल्ड गिरवी नहीं रखा गया था, बल्कि इसे बेचा गया था, लेकिन रीपर्चेज ऑप्शन के साथ। इसके बाद लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। मार्च 1991 में इलेक्शन कमीशन ने देश में लोकसभा के 3 चरणों में वोट करने का फैसला किया। अब 20 मई को जब पहले चरण की वोटिंग हो गई, तो इसके अगले ही दिन यानी 21 मई को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक हमले में भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की हत्या हो गई। फिर 15 दिन के लिए इलेक्शन को टाल दिया गया। बाद में ये वोट 12 जून और 15 जून को हुए, जिसके बाद काउंटिंग हुई और रिजल्ट की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा यानी 232 सीटें मिली। इसके बाद 21 जून 1991 को ही कांग्रेस के पीवी नरसिंह राव ने देश के 9वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी। इसी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह। और फिर इस गवर्नमेंट के सामने एक बार फिर पेमेंट क्राइसिस उत्पन्न हुआ। अब ये वर्षों, महीनों या फिर हफ्तों के बजाय डेली सर्वाइवल पर आ गई।
IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी लोन देने से इनकार कर दिया और पहले से चल रहे लोन को भी रोक दिया गया। अब समस्या और गंभीर हो गई। कर्ज देने के सवाल पर इस समय IMF ने भारत के सामने कुल 25 शर्तें रखी थी, जिनमें भारत की अर्थव्यवस्था को खोलना और गवर्नमेंट कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट करना शामिल था। इस समय भारत सरकार ने मना कर दिया था। अब देश के पास अपने इंपोर्ट बिल का पेमेंट करने के लिए केवल 20 दिनों की फॉरेन करेंसी बची हुई थी। क्राइसिस की इस घड़ी में सोना एक बार फिर से खरा सोना साबित हुआ। देश ने केवल 400 मिलियन डॉलर के बदले में 47,000 किलोग्राम यानी 47 टन सोना गिरवी रखने का फैसला किया। इसे 3 इंस्टॉलमेंट में फॉरेन भेजना था। अब इंग्लैंड और जापान के बैंकों के साथ सौदा तय हो चुका था, लेकिन इन दोनों बैंकों ने शर्त रखी कि हम सोना तभी गिरवी रखेंगे जब वो भारत से बाहर किसी देश में रखा होगा। मतलब ये वायदा कारोबार जैसा नहीं है कि पेपर में कह दिया गिरवी तो गिरवी, गोल्ड भी हमारे पास होना चाहिए। सरकार इनकी शर्तों को मान गई। शर्तों के अनुसार 6 जुलाई 1991 को पहली बार भारतीय हवाई जहाज 25 टन सोना लेकर लंदन पहुंचा ताकि उसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखा जा सके। अब एक हफ्ते बाद फिर से 9.8 टन सोना लंदन भेजा गया और 18 जुलाई को 12 टन सोना इसी उद्देश्य के लिए लंदन भेजा गया। अब भारत ने कुल ऐसे करके 47 टन सोना गिरवी रख कर 400 मिलियन डॉलर का कर्ज ले लिया। हालांकि इस अग्रीमेंट में ये तय किया गया था कि भाई भारत इस गोल्ड को दोबारा खरीद सकता है, यानी भारत के पास जब पैसा आएगा तब लोन और उसका ब्याज देकर वापस ले लेगा। साल 1991 में मई से लेकर जुलाई तक भारत सरकार ने कुल 67,000 किलो यानी कि 67 टन सोना गिरवी रखकर कर्ज लिया था। अब समस्या ये रही थी कि भाई साल 1991 में जुलाई वाली ये डील करीब 47 टन गोल्ड की थी। इतना गोल्ड देश से चोरी छिपे कैसे ले जाया जा सकता था? चोरी छिपे इसलिए क्योंकि देश की जनता को भनक नहीं लगने देना चाहती थी भारत गवर्नमेंट। फर्स्ट शिपमेंट में 6 जुलाई को मुंबई एयरपोर्ट से इंडियन एयरप्लेन के द्वारा 25 टन सोना लंदन भेजा था, लेकिन फर्स्ट शिपमेंट में ही इंडियन एक्सप्रेस के एक जर्नलिस्ट शंकर अय्यर ने इसकी पोल खोल दी। बाद में उन्होंने बताया कि वो एक सूत्र से जानकारी मिलने के बाद में मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गया इस खबर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर हमने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से काफी सारी इन्फॉर्मेशन पता लगाई। एयरपोर्ट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कई वैन खड़ी थी जिसे आर्म सिक्योरिटी ने घेर रखा था। इस बात पर ऑफिसर ने कहा कि इतनी सिक्योरिटी कभी पहले नहीं देखी है। शंकर अय्यर के मुताबिक एयरपोर्ट के निचले कर्मचारियों और ऑफिसर्स को भी नहीं पता था कि भाई प्लेन में जो सामान लादकर बाहर भेजा जा रहा है वो गोल्ड है। जब तहकीकात की गई तो एकदम कंफर्म हो गया था कि यहाँ से गोल्ड विदेश ले जाया जा रहा है। अब यहाँ उन्होंने गवर्नमेंट सीक्रेसी में सेंध लगा दी। इस बात की खबर उन्होंने इस समय के मशहूर अंग्रेजी न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस को दे दी, जिसके लिए ये काम करते थे। न्यूज़पेपर ने अपने पहले पन्ने पर 8 जुलाई 1991 को इस रिपोर्ट को छाप दिया। इस खबर को लिखने वाले जर्नलिस्ट वी शंकर अय्यर उस दिन न्यूज जगत के हीरो बन गए थे। इस खबर ने देश के लोगों की धड़कनें बढ़ा दी क्योंकि ये पल हर भारतीय के लिए इमोशनल था, क्योंकि देश के खर्चों को पूरा करने के लिए गोल्ड गिरवी रखना पड़ रहा था, वो भी चुपचाप देश को बिना बताए। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई जो देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था उसे अपना सोना गिरवी रखना पड़ रहा है और वो भी चोरी छिपे। जाहिर है कि गोल्ड गिरवी रखने पर आलोचना तो होनी ही थी और बहुत कुछ हुआ भी ऐसा। इस खबर ने देश की पॉलिटिक्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया था। इस खबर के बाद भी 18 जुलाई 1991 को 12 टन गोल्ड फॉरेन भेजा गया। इसके 6 दिन बाद 24 जुलाई 1991 को इकोनॉमिस्ट से सीधे फाइनेंस मिनिस्टर बने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश का बजट पेश किया। अब आप सोच नहीं सकते कि भारत जैसा विशाल देश की पूरी इकोनॉमी को पार्लियामेंट में पेश करना फाइनेंस मिनिस्टर बने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कितना कष्टकारी रहा होगा। बजट पेश करते हुए इन्होंने खुद इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया था। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि दिसंबर 1990 से ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में गिरावट आ रही है। अभी मात्र 2,500 करोड़ रुपए के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स केवल 2 सप्ताह के इंपोर्ट के लिए ही हैं। इस कारण से हमें गोल्ड गिरवी रखना पड़ा है, लेकिन आप भरोसा रखिए ये मुसीबत बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। अब लगभग 19,000 शब्दों के अपने बजट भाषण में मनमोहन सिंह ने साहसिक आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला पेश की थी। भारत को अब सोशलिस्ट मॉडल से हटाकर ओपन मार्केट के युग में प्रवेश करने की बात कही, यानी अब ओपन इकोनॉमी को अपना लिया जिसका सिद्धांत था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भारत में चल रहे सोशलिस्ट मॉडल में गवर्नमेंट ही सब कुछ तय करती थी, किसी प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन होगा, उसे बनाने में कितने लोग काम करेंगे और उसकी प्राइस क्या होगी, ये गवर्नमेंट तय करती थी। भारत के इस सिस्टम को लाइसेंस परमिट राज के नाम से जाना जाता था।
24 जुलाई 1991 को भारत की इकोनॉमिक फ्रीडम का दिन कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद सोशलिस्ट मॉडल के नियमों को बदल दिया गया। जी हाँ, अब ओपन इकोनॉमी में प्राइवेट कंपनीज को फ्रीडम देने, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को कम करने और ओपन मार्केट को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। इस बजट में सरकार LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आई। लिबरलाइजेशन का अर्थ है बिजनेस में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को कम करके मार्केट पर निर्भरता को बढ़ाना, यानी यहाँ किसी वस्तु की कॉस्ट मार्केट तय करेगी। प्राइवेटाइजेशन का अर्थ है पब्लिकली ओन्ड कंपनी में गवर्नमेंट की पार्टनरशिप को कम करना और उसे प्राइवेट कंपनी को बेचना। और ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है दो देशों के बीच मौजूद इकोनॉमी की दूरी को खत्म करना, यानी बिजनेस में आपसी पार्टनरशिप बढ़ाना। इकोनॉमी की दृष्टि से ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के तहत एक देश से दूसरे देश तक वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। बजट में ये निर्णय लिया गया दोस्तों कि 34 इंडस्ट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 40% से बढ़ाकर 51% किया जाए। मनी इन्वेस्टमेंट करने वाली फॉरेन कंपनी के पास इंडस्ट्री के मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की पावर होनी चाहिए। 18 इंडस्ट्री को छोड़कर बाकी सभी इंडस्ट्रीज में लाइसेंसिंग का नियम खत्म कर दिया गया। इस बजट ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव किया। इम्पोर्ट ड्यूटी को 300% से कम करके 150% की गई, जबकि एक्सपोर्ट ड्यूटी 220% से घटाकर वो भी 150% किया जाना तय हुआ। अब इस बजट के अंत में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए ये कहा था कि इस कठिन और लंबी यात्रा के दौरान हमें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मैं उन्हें कम करके नहीं आंकना चाहता हूँ, लेकिन इतिहास गवाह है कि पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह मजबूत और सधे कदमों से इस यात्रा पर आगे बढ़े और नए भारत की नींव रखी, जिसकी इमारत आज बुलंदी पर खड़ी है। लेकिन दोस्तों, इस बजट से पहले ही प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने उस फाइल पर हस्ताक्षर किए थे जिस पर भारत को उन 25 शर्तों को मानने की बात कही गई थी। IMF ने भारत के सामने कुल 25 शर्तें रखी थी, जिनमें भारत की अर्थव्यवस्था को खोलना और गवर्नमेंट कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट करना शामिल था। गवर्नमेंट कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, बड़ी मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, कंपनी फलने फूलने लगी, करोड़ों नई नौकरियां बाजार में आ गई और करोड़ों लोग पहली बार गरीब रेखा से ऊपर उठे। गवर्नमेंट के पास भी काफी पैसा टैक्स के रूप में आया। इसके बाद वर्ष 1991 में ही विदेशों में गिरवी रखा 67,000 टन सोना दिसंबर 1991 तक भारत वापस भी आ गया। इस समय देश के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे। साल 1991 भारत की विकास यात्रा का वो महत्वपूर्ण साल है जहां से न केवल इकोनॉमिकली बल्कि सोशली, रिलीजियसली और पॉलिटिकली रूप से भी बहुत कुछ बदल गया है। तब से अब तक इंडियन इकोनॉमी ने एक बड़ी छलांग लगाई है। खैर, हम बात सोने की कर रहे हैं तो देखिए हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। कभी सोना गिरवी रखने वाली कांग्रेस सरकार ने 2009 में 200 टन सोना खरीदा और इसके बाद हमारे देश का स्वर्ण भंडार और मजबूत हो गया।